हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि अभी एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन एंड एलए नाइट तीनों अपॉर्चुनिटी चाहते हैं रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, बट एजे स्टाइल्स क्या कुछ बड़ा प्लान करे रोमन रेंस के अगेंस्ट एंड उनका हमें एक न्यू फैक्शन देखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, इसके अलावा रोमन रेंस से रिलेटेड क्या कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हमें रिवील होते हुए दिखी स्मैकडाउन में। तो गाइज, सबसे पहले हम उसी इंटरेस्टिंग थिंग के बारे में कर लेते हैं बात, जो की रिवील होते हुए दिखी रोमन रेंस से रिलेटेड इस वीक के स्मैकडाउन में। देन जैसा कि गाइज, इस वीक के स्मैकडाउन में हमें बैकस्टेज रोमन रेंस के कई सारे सेगमेंट देखने को मिले, जहां पर रोमन रेंस पॉल हेमन को निक एल्डिस को बुलाने बोलते हैं और जब निक एल्डिस आते हैं देन वो रोमन रेंस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे थे, यानी कि वो उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये तक कह दिया कि सोलो सिकुआ ने जिस तरह से जॉन सीना को हराया है उस तरह से तो तुमने भी नहीं हराया, और उसके बाद रोमन रेंस का हमें एंग्री रिएक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन गाइज, इस सेगमेंट से पहले हमें एक इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिलती है कि रोमन रेंस यूज कर रहे होते हैं अपने फोन को, और रोमन रेंस की फोन के साथ फोटो वायरल होनी शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। मैंने भी सोचा भाई क्या हो गया, बाद में पता चला भाई रोमन रेंस हमें आईफोन 7 यूज करते हुए दिख रहे थे, जो फोन 2016 में लॉन्च हुआ है। यानी कि गाइस, सभी को यही लगता था कि रोमन रेंस तो भाई मिलियन डॉलर्स में कमा रहे, वो तो लेटेस्ट सारी चीजें यूज कर रहे होंगे, बट ये काफी इंटरेस्टिंग थिंग रिवील हुई कि रोमन रेंस आईफोन 7 ही अब तक यूज कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है रोमन रेंस वैसे आदमी नहीं है जो कि फोन वगैरह पे ज्यादा इंटरेस्ट ले, जिसकी वजह से हम सब देखते हैं सोशल मीडिया पर भी वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, बस WWE से रिलेटेड महीने में एक दो पोस्ट आ जाती है। अब आपका इस चीज पर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप था, बट स्टिल कुछ हमें बैकस्टेज सेगमेंट्स वगैरह देखने को मिले थे जिसके स्पॉइलर निकलकर नहीं आए थे। और जो सबसे बड़ी चीज रिवील हुई इस वीक के स्मैकडाउन से वो यही है कि जनवरी 5 के होने वाले स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलने वाला है एक ट्रिपल थ्रेट मैच एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलए नाइट के बीच। जो भी इस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा रोमन रेंस को रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में। फिर हमें मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स और सोलो सिकुआ का मैच भी देखने को मिलता है, जिस मैच में रोमन रेंस करते हैं अपनी इंटरफेरेंस। फिर वहां पर रैंडी ऑर्टन एंड एलए नाइट भी आते हैं और ब्लड लाइन तो वहां से निकल जाती है, बट इन तीनों के बीच हमें देखने को मिलता है ब्रॉल, और ब्रॉल में ही हो जाता है स्मैकडाउन की एंडिंग। तो यहां पर थोड़ी और तरह से स्मैकडाउन एंड हुई, बट अगर आप सबने स्मैकडाउन की स्पॉइलर वाली वीडियो देखी होगी तो आप सबको पता होगा कि इसके बाद भी हमें कुछ देखने को मिला था, यानी कि एलए नाइट, एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन तीनों आपस में ब्रॉल तो कर ही रहे थे, बट एजे स्टाइल्स हमें रैंडी ऑर्टन को बाहर निकालते हुए दिखते रिंग से। फिर हमें एलए नाइट BFT लगाते हुए दिखते एजे स्टाइल्स पर और वो करते हैं स्टैंड टॉल। सो ये चीज WWE ने हमें टेलीविजन पर नहीं दिखाई, अब इसके पीछे क्या कुछ रीजन है वो नहीं पता, बट हां शायद से WWE तीनों सुपरस्टार्स को इक्वली ट्रीट करना चाहती है, इसलिए शायद से उन्होंने एलए नाइट को अपर हैंड लेते हुए नहीं दिखाया। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या हमें एजे स्टाइल्स का एक न्यू फैक्शन आते हुए दिखने वाला है ब्लड लाइन के अगेंस्ट। तो जैसा कि बैकस्टेज हमें एजे स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, तभी वहां पर ओसी आते हुए दिखते हैं और ओसी के साथ एजे स्टाइल्स बिल्कुल भी सही से बिहेव नहीं कर रहे थे, यानी कि वो अपने इस ग्रुप से खुश नहीं है। बट गाइस, एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें सेगमेंट या फिर आप कह सकते हो एक प्रोमो पैकेज देखने को मिला, जो कि था कैरियन क्रॉस का, जहां पर हमें ऑथर्स नेम भी आते हुए दिखता है और ऑथर्स ऑफ पेन का शैडो भी देखने को मिलता है, यानी कि ऑथर्स ऑफ पेन का रिटर्न हमें टीज होते हुए दिखा। और ये बात साफ है, हमें कैरियन क्रॉस एंड ऑथर्स ऑफ पेन एक साथ काम करते हुए दिखने वाले। वही बात कर ली जाए कि एजे स्टाइल्स क्यों इस चीज में हमें ऐड होते हुए दिख सकते हैं, देन सबसे पहले तो कैरियन क्रॉस के प्रोमो पैकेज में हमें हर बार ब्लड लाइन भी टारगेट होते हुए दिखते हैं, और ये फैक्शन एक डार्क फैक्शन होने वाली है। और आप सबको पता है एजे स्टाइल्स का इस वीक के स्मैकडाउन में हमें एक डार्क लुक रिवील होते हुए दिखा, और एजे स्टाइल्स अपनी टीम ओसी से खुश भी नहीं है। तो गाइस, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है अगर WWE रोमन रेंस एंड एजे स्टाइल्स की फ्यूड कराना चाहती है, कि रोमन रेंस के साइड तो ब्लड लाइन है लेकिन एजे स्टाइल्स के साइड हमें कैरियन क्रॉस एंड ऑथर्स ऑफ पेन देखने को मिले। और ये बात तो साफ है कि भाई ये फैक्शन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाली है, सो ज्यादा चांसेस तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस के ये रॉयल रंबल में। लेकिन क्या पता जनवरी 5 को ही हमें कुछ सॉकर देखने को मिल जाए और AOP हेल्प करते हुए दिखे एजे स्टाइल्स की, या फिर जब पूरी तरह से एजे स्टाइल्स अपना ये फैक्शन बना ले देन फिर से वो हमें चैलेंज करते हुए दिखे रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। और ब्लड लाइन की फ्यूड इस फैक्शन के साथ आप सब सोच ही सकते हो कि यही कमाल की होने वाली, इनके बीच जो भी हमें ब्रॉल वगैरह देखने को मिलेगा उसमें काफी ज्यादा आने वाला है मजा। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में, एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस हो या फिर हो रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।